This is Ankush from SSS, and once again I welcome you all in the Indian Economic Lecture Series. And in the last lecture we have started with the tax system in India. Today we'll be doing part 2 of income tax of the tax system of India. And today we'll be doing the direct taxes. ठीक है, हमने last lecture में discuss किया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में. ठीक है, एंड इनफैक्ट दोज डायरेक्ट टैक्सेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है. ठीक है, तो देखिए दो तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. या तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवाई करेगी. ठीक है, तो जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है, डायरेक्ट टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने टैक्स सिस्टम के बेसिक की बात की थी और वेरियस टाइप्स ऑफ जो टैक्सेस हैं उनकी हमने डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर में. ठीक है, ओके, तो हमने उसके बाद इंपॉर्टेंटली हमने बात की थी कि व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, तो इसमें हमने क्या कहा था कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस जो है ये वो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो टैक्सेस हैं जिसमें कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो है वो सेम पर्सन पर पड़ता है. इंसिडेंस का मतलब है कि दैट पर्सन और दैट ऑर्गेनाइजेशन हु विल बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स, एंड इम्पैक्ट का मतलब है दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट पर्सन हु विल सबमिट द टैक्स एक्चुअली विद द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की हमने बात की थी. ओके, अब देखिए, ओके, तो ये हमने सारा जो है फिर कंपैरिजन जो है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, और उसके बाद एक चीज़ हमारी जो रह गई थी दैट वाज इंक्लूडेड इन कि मेरिट्स क्या हैं डायरेक्ट टैक्सेस के. अब देखिए डायरेक्ट टैक्स हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि क्या है डायरेक्ट टैक्स. क्या है कि डायरेक्ट टैक्स जो कि मतलब एक डायरेक्टली जो एक ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ सबमिट करती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को वो सबमिट करवाएगी. और इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि वो डायरेक्टली जो पर्सन है, ठीक है, जो कि बर्डन बेयर कर रहा है टैक्स का, वो डायरेक्टली सबमिट नहीं करवाएगा. यानी इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में. ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स था. अच्छा, अब देखिए डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो मेरिट क्या है, तो हमने समझा था कि डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज डायरेक्टली जो कि एक सबमिट करेगा पर्सन किसके साथ या ऑर्गेनाइजेशन जो है सबमिट करेगी किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स. देखिए डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होता है. फटाफट से ये मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कर लेते हैं, देन विल स्विच ओवर टू द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, अब देखिए मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या है कि इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए. अगर आप ये लेक्चर पहले देख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले जो पार्ट वन है टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया का, जो पार्ट वन है आप पहले वो देख लीजिए, आपके बेसिक्स उसमें कवर हो जाएंगे. उसमें एक्चुअली मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं. ठीक है, देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, जितनी आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है, वो इनकम किसी भी सोर्स से हो सकती है. ठीक है, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको कहीं से रेंट मिल रहा है, ठीक है, तो आपकी सैलरी है, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपकी इनकम में आएंगी. तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपको टैक्स भी ज़्यादा देना है. ठीक है, तो यानी गरीबों के लिए ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि जिनकी लो इनकम है उनको टैक्स कम देना है. तो यानी कि ये इक्वालिटी जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो आप कह रहे हो वो सोसाइटी में ला रहा है प्रोग्रेसिव होने की वजह से. सो दैट्स वाई इट इज़ गुड. ठीक है, एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो एनकरेज करता है इनकम टैक्स. कैसे करता है, देखिए आपने क्या है कि इनकम टैक्स सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेरियस स्कीम्स में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं. जैसे LIC में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, उससे उसकी वजह से क्या है, हम जब LIC में जो है हमने अपने पैसा इन्वेस्ट किया या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, वो हम शो करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई हमने इन इन स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है. उस वजह से हमें हमारे टैक्स पे रिबेट मिलती है. ठीक है, हमें उसकी वजह से हमारे टैक्स में डिडक्शंस मिलती हैं, एग्जेम्पशंस मिलती हैं, राइट. तो इसकी वजह से क्या होता है, इट एक्चुअली इनकल्केट्स अ सेंस ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडियंस. ठीक है, हमारे हम लोगों में ये सेविंग्स जो है उसकी आदत डलवाता है जो टैक्स होता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वन ऑफ द मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स. इट इज़ इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद आपको इलास्टिक के बारे में समझाया था. यहाँ पे मतलब है इलास्टिसिटी का मतलब होता है विच इज़ सब्जेक्ट टू चेंज. इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब होता है विच कैन बी चेंज्ड, विच कैन बी ऑल्टर्ड, विच कैन बी वेरीड. ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, डायरेक्ट टैक्स जो है इलास्टिक है, मतलब अगर आप डायरेक्ट टैक्स में अगर आप यहाँ पे टैक्स सिस्टम में अगर आप कोई चेंज लाते हो तो आपको डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में बड़ी जल्दी दिखेगा. जैसे लास्ट लेक्चर मैंने आपको कहा था कि जैसे कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में डायरेक्ट टैक्स काफ़ी मददगार होते हैं. यानी कि आप डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज लाओगे तो आप उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में थोड़ा जल्दी देख पाओगे. सो दैट्स वाई इट इज़ इलास्टिक एंड इट इज़ वन ऑफ द मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स.
कमिंग अपॉन टू सर्टन, सर्टन का मतलब है कि भाई आपको पता है आपने कितना टैक्स देना है. डायरेक्ट टैक्स में मतलब आपको पता है आपकी इतनी इनकम है तो आपके ऊपर इतना टैक्स लेवाई होगा, यू ऑलरेडी नो. ठीक है, और स्पेसिफिक अगर मैं ये तो डायरेक्ट टैक्स, पूरे डायरेक्ट टैक्स की बात हो गई. अगर मैं जैसे इनकम टैक्स की बात करूँ तो उसमें भी आपको पता है कि स्लैब्स क्या है. अगर 2.5 लाख से एनुअली कम आपकी सैलरी है, कम आपकी इनकम है, ठीक है, तो आपको आप टैक्स एग्जम्प्टेड हो. ठीक है, अगर आपने 2.5 लाख से, ठीक है, 5 लाख अगर आपकी, आपको पता है कि आपकी इनकम है, ओके, तो आपको 5% टैक्स देना है. तो मतलब ऑलरेडी यू नो. ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स वालों को भी पता है कि उन्होंने 25% जो है टैक्स पे करना है या 30% टैक्स पे करना है. तो जो डायरेक्ट टैक्स में एक्चुअली ऑलरेडी डिफाइंड है कि आपने इतना टैक्स जो है वो पे करना होता है. उसके बाद खैर फिर बजट आती है, नेक्स्ट बजट आती है, उसमें कुछ चेंजेस, छोटी मोटी कुछ चेंजेस आती है, प्लस माइनस होता है, लेकिन सर्टन है फिर भी पता होता है हम सबको कि ऑलरेडी हमने कितना टैक्स पे करना है. ठीक है, इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी. ऑफकोर्स अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो ये आप अकाउंटेबल हैं. अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, ठीक है, हमें सर्विसेज देने की. ठीक है, और हम भी अकाउंटेबल हैं, कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं. वी आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. देखिए, हमने कहीं पे भी कोई पब्लिक मतलब कुछ भी बनता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो पब्लिक का ही पैसा होता है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है. हम लोगों ने ही टैक्स दिया होता है, वेदर दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स, वेदर दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, हम लोगों ने टैक्स दिया होता है तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है. एंड इट इज़, ये हमारी, आप जैसे अगर पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम कोई पब्लिक प्लेसेस जो है उनको ख़राब ना करें. ठीक है, कहीं पे मतलब कहीं पे कूड़ा कचरा गार्बेज ना फेंकें या पब्लिक बिल्डिंग्स को ख़राब ना करें. ठीक है, तो ये हम अकाउंटेबल हैं. एक्चुअली हम टैक्स पे कर रहे हैं, वी आर अकाउंटेबल. गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू प्रोवाइड अस गुड सर्विसेज एंड वी आर अकाउंटेबल और वी आर रिस्पॉन्सिबल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू पे टैक्स एंड बी अकाउंटेबल फॉर ऑल द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव. ठीक है, तो ये जो है ये मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कुछ आ गए. नेक्स्ट वी हैव डायरेक्ट डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, अब कुछ डीमेरिट क्या है डायरेक्ट टैक्सेस के. नैरो बेस है, नैरो बेस का मतलब है कुछ लोग एग्जेम्प्टेड भी हैं टैक्स के, जैसे 2.5 लाख से कम के जो इनकम है जो है वो एग्जेम्प्टेड है. एग्जेम्प्टेड होने भी चाहिए बेचारे और करेंगे भी क्या, बट देन चलिए इट इज़ वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स यू कैन से. इट कैन बी इवेडेड, यस, टैक्स की चोरी हो सकती है. ठीक है, हाइड कर सकते हैं टैक्स, नहीं बता सकते. ठीक है, फॉल्स आप कह सकते हो कि जो सेविंग्स है वो फॉल्स सेविंग्स करके बता सकते हैं, तो टैक्स की चोरी हो सकती है डायरेक्ट टैक्स में, बिल्कुल पॉसिबल है. ठीक है, कलेक्शन एक्सपेंस ये भी कैन बी वेडेड, कैसे आगे भी हम पढ़ेंगे. आगे एक डायरेक्ट टैक्स है जिसमें आपको बताऊंगी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, कैसे उसमें टैक्स को इवेड किया जाता है. देन वी हैव कलेक्शन, कलेक्शन जो है वो इसके एक्सपेंसिव इन द सेंस कि देखिए हमें जो है ऑफकोर्स टैक्स को कलेक्ट करने के लिए हमें वेरियस ऑफिसर्स रखने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है, तो इट इज, दैट्स वाई इट इज़ एक्सपेंसिव. वाइल एज अगर हम देखिए इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम कंपेयर करें तो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव. इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हम लोग पे कर रहे हैं. ठीक है, हमने वो पे करना ही करना है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ऑलरेडी, जो आप कोई भी गुड मार्केट से खरीद रहे हो, आप कोई भी सर्विस मार्केट से अवेल कर रहे हो, वो टैक्स ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है ना. दैट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑलरेडी इज इंक्लूडेड इन दैट. तो उसके लिए स्पेशली कोई टीम या स्पेशली कोई ऑफिसर नहीं रखना पड़ता है कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, ओके, चलिए आगे और देखते हैं. एक्सटर्नल ये रह गया हार्डशिप नॉट काउंटेड. देखिए, हार्डशिप नॉट काउंटेड का मतलब है कि जो भी कोई बंदा टैक्स पे कर रहा है उसकी हार्डशिप को काउंट नहीं किया जाता. ठीक है, अगर हार्डशिप का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कोई फिजिकल काम ज़्यादा कर रहे हैं, अगर आपका फिजिकल आउटपुट किसी काम में ज़्यादा है दैन मेंटल, तो ये मतलब ये हार्डशिप काउंट नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर, चलिए डॉक्टर के एग्जाम्पल तो मैं नहीं दूंगी. ठीक है, मतलब आप किसी की भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए कि कोई लेबर है. ठीक है, जैसे जो आप कंस्ट्रक्शन वर्क में जो काम करते हैं, जैसे मिस्त्री वगैरह हैं, उनका फिजिकल आउटपुट ऑफ कोर्स ज़्यादा है. ठीक है, और कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो कि एसी में बैठ के काम कर रहा है. ठीक है, कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, डोंट माइंड. ठीक है, तो मतलब उनके जो है हार्डशिप आप कह सकते हैं, फिजिकल आउटपुट मैं बोलूँगी तो वो कम है. ठीक है, नो डाउट मेंटल आउटपुट तो है ही, बट फिजिकल जो है वो कम है कि कोई धूप में काम कर रहा है या ज़्यादा फिजिकल आउटपुट अपना डाल रहा है या कोई अपना कम फिजिकल आउटपुट डाल रहा है, तो इसमें टैक्स जो है आप जितना कमाओगे आपने उतने उस पर टैक्स देना है, उस पर हार्डशिप जो है उस पर काउंट नहीं किया जाएगा ये टैक्स. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नलिटी जो है वो काउंट नहीं की जाती. ठीक है, एक्सटर्नलिटी जो है वो काउंट नहीं की जाती है डायरेक्ट टैक्स में, यानी कि कोई सपोज सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर जो है इट इज़ डूइंग गुड सर्विस फॉर अ सोसाइटी,
ठीक है। और वहीं पे अगर कोई वाइन शॉप वाला है तो अगर हम देख के चले नॉर्मेटिव तरीके से, तो ऑफ कोर्स आप लीकर सेव कर रहे हैं, लीकर सेल कर रहे हैं, सिगरेट सेल कर रहे हैं, टम्बैकू सेव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसको हम कैसे सेल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट गुड फॉर दिस सोसाइटी अगर नॉर्मेटिव तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो ये एक्सटर्नलिटी जो है ये काउंट नहीं होती डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है उसको भी उतना ही टैक्स पे करना है, और अगर कोई मतलब हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी को बेनिफिट नहीं दे रही है वो चीज़ उसको भी उतना ही टैक्स पे करना है, तो दैट इज़ इसको हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नलिटी जो है वो काउंट नहीं की जाती। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। देखिए जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, वेन एवर वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज नॉट नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब है कि हम जजमेंटल नहीं हो सकते हैं यहाँ पे कि भाई इट इज़ डूइंग गुड फॉर दिस सोसाइटी और इट इज़ नॉट डूइंग गुड फॉर दिस सोसाइटी। बट इट इज़ अगेन लीकर पे हमें पता है इट इज़ लाइक लेवाइंग, गवर्नमेंट इज़ लेवाइंग हाई हैवी टैक्स ऑन दी लीकर, तो इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है ना, ठीक है। तो हम जब भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में हम नॉर्मेटिव नहीं होते हैं, इकोनॉमी इज़ अ न्यूट्रल सब्जेक्ट। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि भाई इकोनॉमी में जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं इकोनॉमी के लिए जो अच्छा है या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसके थ्रू हो रही हैं, ठीक है, हमें उससे मतलब है। हमें उससे मतलब नहीं है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, ठीक है, उससे भी मतलब है ऑफकोर्स, ठीक है, वो तो है ही है कि ठीक है सोसाइटी के लिए तो हमेशा आप कह सकते हैं कि एक अप्रोच होनी ही चाहिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज़ मस्ट, ठीक है। बट इकोनॉमी में हम जो है न्यूट्रल तरीके से चलते हैं, ओके। तो ये जो है ये खैर रहा ये डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, मेरिट और डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ कमिंग अपॉन टू स्ट्रेट अवे की टाइप्स क्या है डायरेक्ट टैक्सेस की, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो देखिए इससे पहले की जो फिगर है मैं पहले आपको वो दिखा दूं कि हमने यहाँ पे ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, ये है जी आपका टैक्स, ठीक है। आज हम फोकस करेंगे अपने डायरेक्ट टैक्स पे, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेवाई करती है, उसके बाद फिर हम स्टेट गवर्नमेंट जो लेवाई करती है टैक्सेस उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स जो है वो लगाती है, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, खैर अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को स्क्रैप कर दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड इक्वलाइजेशन टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवाई, इनको एक एक करके देखते हैं सबको ये क्या है, ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टेट टैक्स के ऊपर आ जाएंगे, ओके। देन कमिंग अपॉन टू डायरेक्ट टैक्सेस, तो जैसे कि हमने फिगर में देखा सबसे पहला टैक्स क्या है, द फर्स्ट टैक्स इज द पर्सनल इनकम टैक्स। तो व्हाट इज दैट पर्सनल इनकम टैक्स, जिसके बारे में हम सभी जानते भी हैं, हम सभी सुनते हैं, हम पे करते हैं, या फिर हमारे घर में कोई ना कोई तो पे करता ही होगा, ठीक है। तो दैट इज द पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स जो है ये किस पे इम्पोज होता है, ये सरकार, ये गवर्नमेंट जो है ये इम्पोज करती है या तो इंडिविजुअल की इनकम पे, इंडिविजुअल की इनकम पे यानी सैलरी पे, रेंटल इनकम पे, ठीक है, इंटरेस्ट, आपने कोई इंटरेस्ट कमाया, आपको कहीं से रेंट आ रहा है, ठीक है, तो ये इन सब पे, या फिर आपकी कोई सैलरी है, मतलब आपकी किसी ना किसी सोर्स से अगर आपकी इनकम है, आप इंडिविजुअल हैं और आपकी किसी ना किसी सोर्स से इनकम है, तो आपको जो है वो डायरेक्ट टैक्स जो है वो पे करना होता है, ठीक है। अब कितना डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है ये देखिए, मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख से अगर एनुअली, अगर साल की 2.5 लाख से कम आपकी इनकम है तो आप एग्जम्प्टेड हैं, आपने कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब ये ओल्ड टैक्स और ये न्यू टैक्स क्या क्या है देखिए, अब दो तरीके के टैक्स हैं बेसिकली, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक है न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है, देर इज वन ओल्ड टैक्स रिजीम एंड अदर इज न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, इनमें क्या फर्क है, यहां से मैं आपको बताती हूँ। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स देना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, आप सपोज आपने इनकम टैक्स देना है, ठीक है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स देना है, पर्सनल इनकम टैक्स देना है, ये आपकी चॉइस है कि आप एग्जिस्टिंग और ओल्ड, मैं बोलूँगी, ठीक है, आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स देना चाहते हैं या फिर आप न्यू टैक्स। अब इनमें क्या फ़र्क है, देखिए अगर आप ओल्ड टैक्स के मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप जो ओल्ड टैक्स था उसके थ्रू आप टैक्स देंगे, तो उसमें जो स्लैब्स हैं वो क्या हैं कि 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है, 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको 20% टैक्स देना है, ठीक है, तो ये हमारे पास बाइफ्रिकेशंस हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, देखिए कि आप क्या करते हैं इस केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली मतलब ये है कि आप यहाँ पे डिडक्शंस ले सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि भाई आपने LIC पे में आपने पैसा अपना डाला है, ठीक है, या आपने कितने के म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं, ठीक है, या आपने कितने की कोई और इंश्योरेंस जो है आपने ले रखी है, ओके, या आपने किसी और स्कीम में, गवर्नमेंट की किसी और स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो शो करके आप
अपने टैक्स से एग्जम्पशन ले सकते हैं, आप अपने टैक्स से डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, टैक्स एग्जम्प्टेड होगा, ठीक है, अगर आप शो करते हैं कि आपने इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, या किस स्कीम में आपने गवर्नमेंट के पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसमें उसके तहत आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। लेकिन जो ये न्यू एग्जिस्टिंग रेट्स हैं, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि रेट्स कम हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट कम पे, मतलब इसमें आपको टैक्स कम पे करना है, सॉरी, आपको इसमें कम टैक्स पे करना है कंपैरेटिवली टू ओल्ड टैक्स रेट्स। लेकिन यहाँ पे आप कोई एग्जम्पशन नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक एनी एग्जम्पशन हेयर, ठीक है। तो न्यू टैक्स स्लैब्स जो हैं उसमें टैक्स रेट कम है, लेकिन आप कोई एग्जम्पशन नहीं ले सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कौन एग्जम्पशन लेगा या कौन बताएगा गवर्नमेंट को या कौन डिस्क्लोज करेगा, ठीक है, कि कौन कौन सी आपने सिक्योरिटीज दे रखी हैं, अगर आप इतनी सिरदर्दी नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रेट अवे अपना इनकम टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत पे कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रिबेट या कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, ठीक है, इसमें फिक्स है। और ओल्ड टैक्स में तो जो टैक्स रेट तो फिक्स है, लेकिन आप अपनी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टैक्स जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, ओके। तो ये है, और ये इट इज़ डिपेंडेड एक्चुअली ऑन दी इंडिविजुअल कि आप कौन सा टैक्स ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम के तहत, आप किस तहत, किस रिजीम के तहत आप जो है अपना टैक्स पे करना चाहते हैं, ओके। ऑलराइट, अब देखिए, अगर मैं अभी रीसेंट बजट की बात करूँ, जो 2022-2023 का जो बजट था, उसमें टैक्स स्लैब्स में या टैक्स रेट्स में कोई चेंजेस नहीं आई थी, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये थी कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपना जो ITR जो फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करना है, ठीक है, उसको आप कह सकते हो कि उसको 2 ईयर्स उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया था, उसकी अपडेशन के लिए अपडेट कर सकते हैं आप, फर्दर 2 साल का टाइम पीरियड उसमें दे दिया था, ठीक है। और अगर सीनियर सिटीजन्स हैं, ये तो खैर 2022 बजट से पहले ही हो गया है, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 75 से अबव है, और अगर वो कोई इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, दे आर अर्निंग सम पेंशन, या फिर उनको कहीं से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब उनके कोई सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इनकम टैक्स फाइल नहीं करना है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया था, आप कह सकते हो कि ओल्ड सिटीजन्स जो हैं हमारे, ठीक है, उनको, कि उन्होंने कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, वो डायरेक्टली जो उनका बैंक है वो डिडक्ट कर लेगा, उनका जो टैक्स बनेगा वो डायरेक्टली जो पेइंग बैंक है वो डिडक्ट कर लेगा, तो उनको स्पेशली कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं करना, ठीक है। ये एक वो कर भी सकते हैं, बट ये एक आप कह सकते हो कि एक रिलीफ दिया था इन्होंने, ठीक है, गवर्नमेंट ने। अब ये क्यों किया था, ये इसलिए किया था कि मतलब दे कि अगर सपोज़ उनको कोई CA हायर करना पड़ता होगा इनकम टैक्स, तो मतलब एक बॉदरेशन है, तो वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, खैर, इतना भी कोई टफ टास्क नहीं है, आप खुद भी अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको CA वगैरह ही हायर करना पड़े। हाँ, अगर आपका कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है तो, ठीक है, इंडिविजुअली तो आप कर सकते हैं, बट हाँ, अगर मैं जैसे ओल्ड एज 75 ईयर्स अबव अगर मैं बात करूँ, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बुजुर्ग लोगों के लिए ये सब करना, तो दैट्स वाई ये गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट, वी हैव द कॉर्पोरेशन टैक्स। नाउ व्हाट इज दिस कॉर्पोरेशन टैक्स, देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स में क्या होता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स से आप नाम समझ रहे हैं, यानी कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब वो टैक्स जो कि कौन पे करेगा, जो कि बिजनेस हाउस पे करेंगे, जो कि कॉर्पोरेट हाउसेज जो हैं वो पे करेंगे। अब कॉर्पोरेट हाउसेज जो हैं वो किस पे करते हैं, जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट हाउस जो है वो किस पे करते हैं, वो पे करते हैं अपने नेट प्रॉफिट पे, ठीक है। जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, जो बिजनेस हाउस हैं, उन्होंने पे करना है। और जो कॉर्पोरेट हाउस है ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द टैक्स, ठीक है। जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करती है, जो टैक्स गवर्नमेंट जनरेट करती है, उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स में, टैक्स का पार्ट है आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये किस पे लगता है, ये उनके नेट प्रॉफिट पे लगता है। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है जो कि टोटल टर्नओवर होगा, ठीक है, माइनस आप, या फिर ऐसे लगा सकते हैं, एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टर्नओवर, तो ये जो है ये क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि ये नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेशन टैक्स है जिसका टर्नओवर है 10,000, वैसे इतना तो नहीं होगा, इस पे तो टैक्स ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए 10,000 जो है, ये जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, उसका टोटल टर्नओवर है, ठीक है। अब उसके कोई एक्सपेंसेस भी हैं। अब देखिए बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस रन करना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज पे करनी है, रेंट पे करना है,
डेली के और एक्सपेंसेस हैं वो पे करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, पानी का बिल, यू नो देर आर सो मेनी एक्सपेंसेस, डे टू डे बिल्स हैं, ठीक है। सपोज आप लगा लीजिए कि 3,000 जो है वो एक्सपेंसेस हो गए, टोटल टर्नओवर 10,000 है, 3,000 जो है ये एक्सपेंसेस हैं, और डेप्रिसिएशन कितनी है, मान लीजिए 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन है, 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन का मतलब है आपका कोई भी एसेट है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, कोई व्हीकल है वो डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, तो कोई रॉ मटेरियल है, तो ये सारे जो हैं 1,000 रुपये आप लगा लीजिए डेप्रिसिएशन पे गया। अब इस 3,000 प्लस यानी ये एक्सपेंस है जो भी खर्चा हुआ सैलरी के थ्रू, बिल्स के थ्रू, रेंट के थ्रू, प्लस 1,000 रुपये क्या है ये डेप्रिसिएशन है, तो टोटल कितने हो गए 4,000, ठीक है। तो यानी कि ये कितने यहाँ पे कितना जो है आप हो गया यहाँ पे, ये हो गया 6,000, यानी नेट प्रॉफिट कितना हो गया 6,000, ठीक है, 6,000 हो गया टर्नओवर यानी 1,000 माइनस 4,000 कितना हो गया 6,000, तो यानी नेट प्रॉफिट कितना हुआ, कितना हुआ नेट प्रॉफिट, ये हुआ 6,000। अब ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है इस पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेगी, ठीक है, इस पे जो कॉर्पोरेट हाउस है उसको यहाँ पे देना है जी कॉर्पोरेट टैक्स, क्या देना है कॉर्पोरेट टैक्स, ओके, और वो कितना देना है मतलब यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब जैसे अगर मैं प्रेजेंट इसकी बात करूँ तो जैसे अगर 2.5 करोड़, ठीक है, अगर 2.5 करोड़ तक, अप टू 2.5 करोड़ अगर अगर जो है टर्नओवर बनता है तो इस पर 25% टैक्स देना होता है, कितना टैक्स देना होता है 25% टैक्स देना होता है प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ठीक है। और अगर अगर जो है 2.5 करोड़ से ऊपर अगर इनकम है, 2.5 करोड़ से अगर ऊपर जो है आप कह सकते हो कि प्रॉफिट है किसी कॉर्पोरेट टैक्स किसी कॉर्पोरेट हाउस का, तो उनको देना है 30% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ठीक है। तो ये है हमारे कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, ओके। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट टैक्स वी हैव इज द मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। नाउ व्हाट इज दिस मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, ये समझ लेते हैं मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स किसे कहते हैं। देखिए मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पहले आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ कि क्या है, उसके बाद हम रीड आउट करेंगे कि क्या लिखा है। देखिए मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स में ये होता है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं वो कहती हैं कि भाई हमें प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, कुछ ऐसे मैंने आपको कहा ना डायरेक्ट, अब ये कौन से टैक्स पढ़ रहे हैं हम, ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है, ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं। अब देखिए है क्या कि कुछ कंपनीज हैं वो बोलेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, हम जीरो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर कुछ कंपनीज हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी रहा होगा, वो अपनी डिडक्शंस या अपनी एग्जेम्पशंस इतनी ज़्यादा शो करेंगी कि उनका टैक्स ही नहीं शो हो पाएगा, तो यानी कि ये ज़ीरो टैक्स पे करती हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं वो बोलेंगे हमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम टैक्स कैसे पे करेंगे, और अगर उनको कोई छोटा मोटा प्रॉफिट हो भी रहा है उस पर वो एग्जम्पशंस ले लेते हैं या उस पर वो डिडक्शंस ले लेती हैं, ठीक है, जो कंपनीज होती हैं, राइट। तो यानी कि उनको वो कह रही हैं कि भाई हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यानी कि वो ज़ीरो टैक्स जो है वो पे कर रही हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं। अब इन कंपनीज को आप कह सकते हो कि इन कंपनीज को इन कंपनीज पे चेक रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1987 में फिनेंस एक्ट लाया, एक 1987 में एक फिनेंस एक्ट लाया जिसके तहत गवर्नमेंट ने कहा कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स तो सभी कंपनीज को देना पड़ेगा, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो सभी कंपनीज को देना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स जो है सभी कंपनीज को देना पड़ेगा, उसमें इसको कहा गया मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, यानी सभी कंपनीज को मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स तो देना ही पड़ेगा, जो भी अपने आप को जीरो टैक्स कंपनीज कहती हैं, जो जीरो टैक्स पे करती हैं, उनको भी अब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ये टैक्स जो है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इतना आपने याद रखना, ये टैक्स मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1987, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ था कि 1990 में ये इस टैक्स को एबॉलिश कर दिया, पहले 1987 में ये टैक्स जो है स्टार्ट हुआ, 1990 में इस टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया, यही मैंने ये नोट्स में लिखा हुआ है, 1990 में इसको एबॉलिश कर दिया गया, फिर 1997 में इस टैक्स को फिर से लाया गया, ठीक है। तो बेसिकली दिस टैक्स वो स्टार्टेड बाय फिनेंस एक्ट ऑफ 1987, उसके बाद 1990 में इसको एबॉलिश स्क्रैप कर दिया गया, फिर 1997 में इस एक्ट को फिर से लाया गया, ठीक है। तो ये जो इस टैक्स को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, फिर से लाया गया, तो दिस इज़ मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, जहाँ पे जो कंपनीज हैं उनको एक मिनिमम टैक्स तो पे करना ही करना है,
फिर उसके बाद, खैर उसके बाद फिर अगर आपकी इनकम, जैसे मैंने आपको कहा कि 2.5 करोड़ से तक अगर आपकी इनकम है, 2.5 करोड़ तक, तो फिर आपको 25% टैक्स देना है, कॉर्पोरेट टैक्स। अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो है फिर है, फिर आपको 30% देना है। और अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि जो कंपनीज़ हैं क्या उनको मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स ही देना है सबको? नहीं। अगर तो जैसे मैंने आपको बताया कि या तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आप दोगे, या फिर जो मैंने आपको कहा कि 2.5 करोड़ से ऊपर अगर जो है तो 25% देना है, ठीक है, 2.5 करोड़ तक अगर है, सॉरी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो 30% देना है। तो इन दोनों टैक्सेस में से जो ज़्यादा टैक्स बन रहा होगा वो गवर्नमेंट को देना है। ऑब्वियसली देखिए, मिनिमम तो छोटी कंपनीज़ के लिए रखा गया ना, जो अपने आप को जीरो टैक्स कंपनीज़ बताती हैं। तो या तो आप मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेटिव टैक्स पे करिए, या फिर इसके तहत पे करिए, मतलब इसमें से जो टैक्स ज़्यादा होगा वो गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो ज़्यादा तो ऑब्वियसली यही वाला होगा ना, ठीक है, तो आपको ज़्यादा पे करना है। तो दिस इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कितना है अभी? जैसे 15% है ऑन प्रॉफिट प्लस सरचार्ज प्लस सेस, तो 15% आप लगा के चलिए कि 15% जो है ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है प्रॉफिट पे, 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ठीक है। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, कई बार जो कंपनीज जनरेट करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, वो या तो एग्जम्पशंस ले लेती हैं, या तो वो एग्जम्पशंस ले लेती हैं, ओके, या कोई डेप्रिसिएशन बता दी उन्होंने अपनी, डिडक्शंस बता दी, एग्जम्पशंस बता दी, कोई एक्सपेंसेस बता दिए, ठीक है, या फिर वो कहती हैं कि भाई हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स लगाया। देखिए, कोई भी बिजनेस जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट कितने ही देर काम करेगा, अगर वो आउट ऑफ प्रॉफिट काम कर रहा है, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा ना। तो इसलिए ये चेक रखने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आपको मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स तो देना ही देना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टैक्स पे आते हैं, विच इज कैपिटल गेन टैक्स। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल गेन टैक्स? देखिए, कैपिटल गेन टैक्स सिंपल है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, ये सारे हम डायरेक्ट टैक्सेस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कैपिटल गेन टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट इंडिविजुअल को पे करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स में? देखिए, कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है आपके पास आपका कोई कैपिटल एसेट है, आपका कोई कैपिटल एसेट है, जब आपने वो सेल किया तो आपको उसके ऊपर कोई प्रॉफिट मिलेगा, इस प्रॉफिट के ऊपर आप जो टैक्स देते हो उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। मतलब आपको कोई गेन, आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है अपना कोई कैपिटल एसेट सेल करके, तो उस पर, अब देखिए, सेल करके जो आपको टोटल पैसे मिल रहे हैं उस पर टैक्स नहीं देना है, आपको उसमें से जो प्रॉफिट हो रहा है आपको उस पर टैक्स देना है। उसकी कोई अपनी वैल्यू भी होगी ना, कि उस चीज़ की, सपोज कोई प्रॉपर्टी है आप उसको सेल कर रहे हो, जो अपनी प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, वो तो आपने अपने पास रखनी है। उस पर आपको जो मुनाफा हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उस पर जो आप टैक्स दोगे उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, तो जैसे कि आप शेयर्स वगैरह सेल करते हो, कोई बॉन्ड सेल करते हो, ठीक है, उस पर जो आपको कैपिटल गेन टैक्स, जो आपको गेन हो रहा है, ठीक है, या फिर आप कोई प्रेशियस मेटल सेव करते हो, या फिर अगर आप आर्ट वर्क अपनी सेल कर रहे हैं, आर्ट वर्क आप कोई पेंटिंग सेल कर रहे हैं अपनी, ठीक है, कोई एक्सपेंसिव पेंटिंग है, कोई आर्ट वर्क है आपका पर्सनल है, आप वो सेल कर रहे हैं, उस पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। आप पेटेंट है आपका, कोई ट्रेडमार्क है, ओके, आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये सारी चीज़ें जो है कैपिटल गेन टैक्स में इंक्लूडेड होती हैं। आपका, आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, सॉरी, उस पर जो आप टैक्स पे करेंगे, उसकी प्रॉफिट पे जो आप टैक्स पे करेंगे, दैट इज़ दी कैपिटल गेन टैक्स। मतलब आपका कोई एसेट है, उसको जब आपने सेल किया, उस पर जब आपको प्रॉफिट मिला, तो उस पर जब आप टैक्स पे करेंगे उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट टैक्स इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। व्हाट इज दिस एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किसे कहते हैं? देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं ऐसा टैक्स जो कि सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी पे होता है। यानी कि आप इसमें सिंपल ऐसे समझिए कि आपने शेयर्स खरीदे या फिर आपने शेयर्स बेचे, दोनों के केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक मिनिमम टैक्स पे रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, ताकि इसमें जो है हमें चेक रहे कि कितनी की शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, और मतलब कि ओनली दोज बॉन्ड्स और ओनली दोज सिक्योरिटीज विच आर एक्चुअली लिस्टेड इनटू द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। वही सिक्योरिटीज़ की जब सेल या परचेज होती हैं, जब किसी सिक्योरिटी की सेल या परचेज होती है, वैसी सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, उसकी आप अगर सेल करेंगे, आप उसको बेचेंगे या आप खरीदेंगे,
तो उस पर आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। ये 0.1% टैक्स पे करना होता है। कितना पे करना होता है? 0.1% टैक्स पे करना होता है। वैसे तो ये बहुत कम रेशो है, बहुत कम है, मतलब अगर आप कम पैसों का के शेयर सपोज खरीदते हैं तो बहुत मिनिमम अमाउंट है, लेकिन हाँ अगर आपकी ट्रेडिंग लाखों में चली जाती है तो फिर ऑफ कोर्स फिर तो 0.1% भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज़ टू कीप अ चेक, यहाँ पे गवर्नमेंट चेक रखती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 0.1% जो है वो टैक्स रखा हुआ है, विच इज़ STT, विच इज़ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। मतलब सिक्योरिटी की जब भी ट्रांजेक्शन होगी, सिक्योरिटीज़ की, सिक्योरिटीज़ मतलब कि जैसे बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, तो इनकी जब भी आप सेल या परचेज करेंगे, पहले तो परचेज ही करेंगे फिर ही सेल करेंगे, तो इन दोनों पे, इन दोनों के केस में क्या होगा, टैक्स लेवाई करती है गवर्नमेंट, ठीक है। परचेजर और सेलर बोथ हैज़ टू पे STT विच इज़ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है, समझ आ गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टैक्स की तरफ, विच इज़ इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशन लेवाई, ठीक है। इसको हम इक्वलाइजेशन लेवाई या इक्वलाइजेशन टैक्स भी कहते हैं। अब देखिए, इक्वलाइजेशन टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग सा टैक्स है। इक्वलाइजेशन टैक्स या ये क्या कहते हैं इसको, इक्वलाइजेशन लेवाई, ये किसे कहते हैं? अब देखिए होता क्या है बेसिकली इसमें, इसको समझिएगा ध्यान से, कि आप देखिए कोई कंपनी है इंडियन कंपनी है, ठीक है। देखिए इनकम टैक्स जो है ना, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो है गवर्नमेंट, ये जो भी कंपनीज हैं इंडिया में वो पे करती हैं, ठीक है। अब कोई कंपनी है, अब क्या होता था कि जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं इंडिया में वो तो टैक्स पे करती हैं, है ना, जैसे कॉरपोरेट टैक्स पे करती है, मैंने आपको बताया कि कॉरपोरेट टैक्स जो है वो पे करती हैं जो भी कंपनीज हैं। अब हुआ क्या कि कोई ऐसी, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि IT टेक्नोलॉजी की आने की वजह से इस टैक्स को, देखिए इक्वलाइजेशन टैक्स को गूगल टैक्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, अब देखिए, अब सपोज यहाँ की जो कंपनीज हैं, बेसिकली जो भी आप OTT प्लेटफॉर्म पे, यानी आप ऑनलाइन जब भी कोई एडवर्टीजमेंट देखेंगे, जो भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आई वुड से, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप जो कंपनीज की एड्स देखते हैं, ठीक है, फॉरेन कंपनीज की एड्स भी होती हैं और इंडियन कंपनीज की एड्स भी होती हैं। अभी जो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी जब अपनी एड चलाएगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो इंडियन कंपनी उस कंपनी को पैसे देगी। अब देखिए कैसे है, मैं एग्जांपल समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल गूगल है जी, गूगल की बात करते हैं, ठीक है। गूगल जो है ये US बेस्ड कंपनी है, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल समझा रही हूँ आपको। गूगल जो है US बेस्ड कंपनी है, गूगल ने कहा कि हमारा तो कोई ऑफिस है नहीं इंडिया में, कोई टेंजिबल, कोई फिजिकल ऑफिस हमारा है नहीं इंडिया में, हमारी कोई कंपनी जो है इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ के लोग, अब इंडियंस के थ्रू अगर गूगल कोई प्रॉफिट कमा रही है तो फिर तो गूगल का बनता है ना यहाँ पे टैक्स देना, ठीक है। अब हुआ क्या, अब देखिए गूगल पे आप कोई सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ आप सर्च करें, ठीक है, कोई भी चीज़ आप इकोनॉमी का कुछ आर्टिकल सर्च करिए, आप करंट अफेयर्स का कुछ आर्टिकल सर्च करिए, आप कुछ भी आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे साइड पे एड्स चलती हैं। अब वो जो एड्स हैं वो फॉरेन कंपनी की भी किसी की ऐड हो सकती है, किसी इंडियन ब्रांड की भी ऐड हो सकती है। अब जब वो इंडियन ब्रांड की ऐड आई गूगल पे, तो यानी कि उस इंडियन ब्रांड ने गूगल को पैसे दिए होंगे, ठीक है, इंडियन ब्रांड जो है उसने गूगल को क्या किया होगा, पैसे दिए होंगे, ठीक है जी, कि हमारी ऐड चलाइए। अब अगर वो इंडियन कंपनी से पैसे ले रहा है गूगल, यानी इंडियंस के थ्रू अगर गूगल जो है पैसे जनरेट कर रहा है, तो गूगल का तो बनता है ना टैक्स पे करना, हमारे इंडिया में गूगल का तो बनता है यहाँ पे टैक्स पे करना, तो उसको कहते हैं इक्वलाइजेशन लेवाई या इक्वलाइजेशन टैक्स, ठीक है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये 2016 के बाद स्टार्ट हुआ ये इक्वलाइजेशन टैक्स जो है, ठीक है, ओके। तो जो इक्वलाइजेशन टैक्स है, मतलब आप उससे पहले भी टैक्स होता था, मिनिमम होता था, ठीक है, मेन जो हुआ उसके बाद ही स्टार्ट हुआ है, तो अब इक्वलाइजेशन टैक्स जो है वो लेवाई करती है। अब यहाँ पे आप समझ गए कि क्या हो रहा है, ठीक है, कि अगर सपोज कोई कंपनी है जिसका इंडिया में कोई, मतलब कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आप कह सकते हो, लेकिन डिजिटली वो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडियंस को, डिजिटली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो प्रॉफिट कमा रहा है उससे, वो पैसे कमा रहा है, तो उस पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कौन सा टैक्स पे करे, लेवाई करेगी, गूगल टैक्स या फिर इक्वलाइजेशन टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवाई, ठीक है। यही यहाँ पे मैंने ये सब लिखा हुआ है, देखिए कि बिफोर 2016 ओनली दोज कंपनीज हु वर रजिस्टर्ड इन इंडिया यूज टू पे टैक्स इन इंडिया एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस इज बिकॉज दोज कंपनीज हु यूज टू अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया दे हैड टू रजिस्टर,
अगर आपने यहाँ पे मतलब आप बिजनेस करना है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा बिजनेस अपना, ठीक है, यहाँ पे ऑफिस होना चाहिए आपका, ओके। अब देखिए हुआ क्या, लेकिन विद द एडवेंट ऑफ आईटी, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो इट बिकेम पॉसिबल विद गूगल कॉर्पोरेशन टू रजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर गूगल कॉर्पोरेशन की बात करें जो कि रजिस्टर्ड है यूएसए में, परमानेंट उसकी सेटलमेंट है यूएसए में, ठीक है, यूएस में, लेकिन उसका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो तो इंडिया से भी है, थ्रू डिजिटल एडवर्टीजमेंट है, अपनी वेबसाइट पे डिजिटल जो एडवर्टीजमेंट करती है। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो ये कहता है कि यहाँ पे ये तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, नॉन रेजिडेंट स्टेटस जिनके पास है लेकिन जो कि जनरेट कर रहे हैं यहाँ से प्रॉफिट, तो उनके ऊपर भी जो है वो टैक्स लगेगा, और वो कौन सा टैक्स लगेगा, वो इक्वलाइजेशन टैक्स लगेगा या फिर गूगल टैक्स लगेगा, ठीक है, ओके, 2016 के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है ए जो कि इंडिया में, जो कि कोई कंपनी है, अब देखिए एग्जाम्पल समझिए, कोई कंपनी है ए कोई कंपनी है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है यूएस में, वो यूएस की मतलब यूएसए की, अमेरिका की वो कंपनी है, ठीक है, और उसकी इसी ए कंपनी की कोई सब्सिडरी है बी, ए कंपनी है जो कि यूएस में है, ठीक है, उसी की ए कंपनी की ही एक सब्सिडरी है जिसका नाम है बी कंपनी, वो जो बी कंपनी है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है और वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, ठीक है, इंडिया में रजिस्टर्ड है और इंडिया में बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो अगर वो इंडिया में बिजनेस कर रही है और जो बी है वो प्रोवाइड कर रही है डिजिटल सर्विस, वो कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो डिजिटल सर्विस एडवर्टीजमेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही कर रही है, वो जो बी कंपनी जो है वो यहाँ पे डिजिटल सर्विस ही कर रही है, लेकिन वो यहाँ पे रजिस्टर्ड भी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वलाइजेशन टैक्स पे नहीं करना है। आप बोलेंगे इक्वलाइजेशन टैक्स पे क्यों नहीं करना है, वो इक्वलाइजेशन टैक्स या गूगल टैक्स को पे नहीं करेगी बल्कि वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी, वो इनकम टैक्स पे करेगी। अब समझ आ गया, क्योंकि वो यहाँ रजिस्टर्ड है। तो ऐसे याद रखना है आपने, जो कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जो कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और कि डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटली वो जो है आप कह सकते हो कि ई कॉमर्स में है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, रजिस्टर्ड हैं, तो उनको तो कॉर्पोरेट टैक्स ही देना है, उनको अपना इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स ही देना है। लेकिन अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, तो फिर उनको इक्वलाइजेशन टैक्स देना है, इक्वलाइजेशन टैक्स देना है और गूगल टैक्स देना है। यानी जो रजिस्टर्ड है उनको तो नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स ही देना है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर इनको इक्वलाइजेशन टैक्स या गूगल टैक्स पे करना है। समझ आ गई बात, ठीक है, समझ आ गई है बात। अब देखिए, ये देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दी है। अब हुआ क्या कि फर्स्ट अप्रैल 2020 के बाद गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई एक इक्वलाइजेशन लेवाई, एक 2% की इक्वलाइजेशन लेवाई या फिर आप कह सकते हो गूगल टैक्स जो है सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को पे करना है जो कि इंडिया में चल रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया फॉर एग्जांपल, या अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया। अब ये इंडियन कंपनीज तो नहीं है, नेटफ्लिक्स है या अमेजन है, इंडियन कंपनीज तो नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ से मुनाफा कमा रही हैं, पे ठीक है, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2% आप कह सकते हैं कि 2% जो है वो टैक्स गवर्नमेंट जो है इन पे लेती है, ठीक है। अदरवाइज जो बाकी जो इक्वलाइजेशन जैसे लेवाई हैं वहाँ पे 6% टैक्स देती है गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है जो इक्वलाइजेशन टैक्स है वो जैसे 6% लेती, ठीक है, ओके। तो ये समझ आ गई बात आपको। तो ये जो है, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है कि जो अमेजन है फॉर एग्जांपल, अब अमेजन तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस केस में गवर्नमेंट जो है वो इक्वलाइजेशन लेवाई लेगी, ठीक है, समझ आ गई बात, ओके। द लास्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है, लास्ट डायरेक्ट टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है या करती थी मैं बोलूँगी, विच इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है ये अब एप्लीकेबल नहीं है, इसको गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है, ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है ये गवर्नमेंट अभी स्क्रैप कर चुकी है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में बेसिकली क्या होता था, इसमें क्या होता था कि इसमें जो भी कंपनी का कोई प्रॉफिट है, ठीक है, कोई कंपनी की कोई भी प्रॉफिट है या कंपनी की कोई भी अर्निंग्स हैं, ठीक है, जो वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है या अपने ओनर्स को दे रही है, ठीक है, जब
जो भी डिविडेंड्स हैं, आप कह सकते हो डिविडेंड्स हैं, जो भी डिविडेंड्स हैं जो कि कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। अब डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखिए कंपनी लोगों ने खड़ी की, सपोज पांच फ्रेंड्स हैं या चार फ्रेंड्स हैं, चार पांच लोगों ने मिलके कंपनी खड़ी की, तो उन चार पांच लोगों को डिविडेंड्स जाएगा ना, प्रॉफिट्स जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन सबकी कैपिटल भी लगी हुई है उसमें, तो उन सबको डिविडेंड्स जाएंगे, या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं उन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी डिविडेंड्स जाएंगे, तो इस पर जो है कंपनीज को टैक्स पे करना होता था, ठीक है, टैक्स पे करना होता था। तो लेकिन अब ये जो है इसको अब इनकम टैक्स में ही इंक्लूड कर दिया गया, किस में टैक्स पे कर दिया गया, इनकम टैक्स में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो है DDT यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है इसको एबॉलिश कर दिया था बाय द बजट 2019-20, ठीक है। तो जो 2019-20 का बजट था इसमें इसको एबॉलिश कर दिया था DDT को, अब इसको इनकम टैक्स में ही इंक्लूड किया गया। अब देखिए इनकम टैक्स हो रही है, बेसिकली इनमें क्या फ़र्क होता है, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स में क्या फ़र्क होता है पर्सनल इनकम टैक्स में। अब देखिए किसी की कोई कंपनी है ओके, अब वो जो कंपनी से जो वो प्रॉफिट कमा रहा है उस पे उसको कॉर्पोरेट टैक्स देना है, लेकिन वो इंडिविजुअल जो कमाई कर रहा है अपनी उस पे उसको इनकम टैक्स देना है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ओके, उस पे उसको इनकम टैक्स देना है। तो अगर उसकी जो इंडिविजुअल अपनी पर्सनल जो कमाई है आप कह सकते हो, अब जो कंपनी है, ठीक है, उससे वो सैलरी भी, अब चाहे वो ओनर भी हो, वो क्या करता है, अगर कोई ओनर भी हो और उसकी अपनी कंपनी हो, वो इस कंपनी से क्या लेगा, अपनी सैलरी लेगा, ठीक है। अब ये जो इसकी अपनी पर्सनल इनकम है इस पे गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाएगी, और ये जो इसकी कंपनी है, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं, हम ये अकाउंट्स में या हम इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, अगर कोई ओनर है और उसका बिजनेस है, दे विल बी ट्रीटेड, दे आर सेपरेट एंटिटीज़, दे आर नॉट वन एंटिटी, ठीक है, ओनर अलग है और उसका बिजनेस अलग है, दे आर टू सेपरेट एंटिटीज़। तो जो ओनर पे टैक्स लगेगा उस पे पर्सनल कमाई पे टैक्स लगेगा उसको इनकम टैक्स बोलेंगे, और जो उसके बिजनेस पे टैक्स लगेगा वो उसको देना होगा कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो होप आई एम क्लियर, ये जितने भी हमने आज जो टैक्स हैं जो हमने पढ़े ये आपको सब समझ में आए होंगे, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा टैक्स जो है ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेवाई करती है टैक्सेस वो हमने पढ़े, जैसे कि हमने पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, इनकम टैक्स, देन वी डिड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ठीक है, जो कि बिजनेस पे लगता है, बिजनेस हाउसेस पे लगता है जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देती हैं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में हमने क्या पढ़ा कि भाई कुछ कंपनीज है वो कहते हैं कि हमारा तो कोई टैक्स लगे नहीं, इम्पोज नहीं हो रहा हम पे, क्योंकि हम जीरो टैक्स हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इस पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम टैक्स जो है वो लगा देती है 15% का, ठीक है, तो इट इज़ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा इन एनी सिचुएशन। देन वी हैव कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स में पता है कि जो भी हमारे एसेट हैं, जो भी पर्सनल, जो भी किसी का कोई एसेट है, कोई कैपिटल एसेट है, प्रॉपर्टी है, या फिर आप आपका कोई आर्ट वर्क है, ठीक है, आप आपके या फिर शेयर्स हैं, ओके, या फिर आपकी कोई आर्ट वर्क यानी जैसे आपकी कोई पेंटिंग है, कोई प्रॉपर्टी है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, ओके, उन सब पे क्या लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। आपने जब वो सेल किया उस पे जो आपको प्रॉफिट मिला उसको आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है। फिर उसके बाद हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पढ़ा, खैर ये लास्ट में पढ़ा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कि अब स्क्रैप आउट हो गया है, जिसमें जो कि डिविडेंड्स जब डिवाइड होते थे तो उसमें टैक्स लगता था। देन वी हैव सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, हमने पढ़ा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में, यानी कि जो भी सिक्योरिटीज सेल होती हैं, यानी कि जो भी सेल और परचेज, या तो आप परचेज करें या तो आप सेल करें सिक्योरिटीज, यानी बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, तो उन पे जो टैक्स लगेगा, ठीक है, 0.1% का, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। नेक्स्ट वी हैव इक्वलाइजेशन लेवाई, जो इक्वलाइजेशन लेवाई या गूगल टैक्स जिसको कहते हैं, इक्वलाइजेशन लेवाई या गूगल टैक्स उस पर लगेगा, जो कि डिजिटली यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, यहाँ से मुनाफा कमा रही हैं इंडिया से कंपनीज, लेकिन यहाँ पे वो जो रजिस्टर्ड नहीं है उन पे लगेगा इक्वलाइजेशन टैक्स और गूगल टैक्स, ठीक है। तो ये सारा जो है हमने आज सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेवाई करती है टैक्सेस वो पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स जो टैक्स लगाती हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेंटर के भी और स्टेट के भी, ओके। तो देन विल फिनिश ऑफ विद दिस टॉपिक। हाँ, एक CBDT है वो भी मैं आपको बता दूंगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आफ्टर दैट आर दिस टैक्सेशन टॉपिक विल बी फिनिश्ड अप, ओके। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।